सो हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल टेक्नोलॉजी अपन स्टडी विद गेम्स से स्वागत है। तो आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 7, जो कि क्लास 6 की और सब्जेक्ट है हिंदी और डेटेड है 27 जुलाई 2021। तो आज का ये हमारा टॉपिक है सर्वनाम। निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये जो पंक्तियाँ हैं उन्हें हमें पढ़ना है और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं नीचे उसके हमें आंसर देने हैं। रिया के मन में सोचा कि रिया आज शाम को ही रिया की माँ के साथ रिया की सहेली के घर मान्या की माताजी से मिलने जाएंगी। तो इसमें क्या नहीं है, सर्वनाम नहीं है। इस वाक्य में रिया नाम बार बार आया है जिससे वाक्य पढ़ने में बड़ा अटपटा लग रहा है। यदि इसी वाक्य को इस प्रकार लिखें, रिया ने अपने मन में सोचा कि वह आज शाम को ही अपनी माँ के साथ अपनी सहेली के घर उसकी माताजी से मिलने जाएगी। तो इसमें कुछ भी अटपटा नहीं लगा क्योंकि इसमें सर्वनाम यूज़ किए गए थे रिया के नाम की जगह बार बार, जहाँ बार बार रिया ना इस्तेमाल करके कुछ सर्वनाम इस्तेमाल किए गए थे। अब वाक्य सुंदर बन जाता है और उसका अटपटापन भी दूर हो गया। रिया और मान्या के स्थान पर प्रयुक्त शब्द अपने वह अपनी उसकी आदि सर्वनाम है। तो उसकी जगह क्या क्या सर्वनाम यूज हुए, अपने वह अपनी उसकी आदि सर्वनाम। मान्या तुम उदास क्यों हो, क्या बताऊँ रिया माँ की तबीयत ठीक नहीं है। तो ये दो सहेली आपस में बात कर रही है। नेक्स्ट देखिए, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। मतलब ये जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा की जगह सर्वनाम इस्तेमाल किया गया, जहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा बार बार इस्तेमाल की जा रही थी, जैसे रिया रिया रिया, तो इसकी जगह क्या इस्तेमाल हुआ, सर्वनाम इस्तेमाल हुआ। प्रश्न नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छाट कर लिखिए। तो ये देखिए, घर में कौन आया है, ट्राई करते हैं हम सबका आंसर। तो फर्स्ट का आंसर देखिए, घर में कौन आया, तो इसका क्या हो जाएगा सर्वनाम, में। नेक्स्ट का यह नहीं हो सकता, यह इसका सर्वनाम हो जाएगा। आपका शुभ नाम क्या है, आपका भी सर्वनाम हो जाएगा। दाल में कुछ पड़ा हुआ है, कुछ सर्वनाम हो जाएगा। यहाँ नाम की जगह हम मतलब कि जैसे कुछ कुछ, अगर मैं, यह, आपका, अपनी, उसकी आदि ऐसे शब्द सर्वनाम यूज़ करते हैं उन्हें हम मतलब कि उसकी जगह संज्ञा की जगह यही सर्वनाम इस्तेमाल किया जाता है। क्या तुम्हारा विद्यालय यह है, तो यह क्या हो जाएगा सर्वनाम। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिए गए शब्दों में जो सर्वनाम शब्द नहीं है उस पर गोला लगाइए। तो इसमें से कौन कौन शब्द सर्वनाम नहीं है, शेर नहीं है भाई, जिसको राजा भी नहीं है, स्वयं भी नहीं है, एक मिनट। तो ये देखिए, तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा सर्वनाम, अभी हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा, बस यही कुछ सर्वनाम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 3, दी गई वर्ग पहेली में से सर्वनाम शब्द ढूंढकर उन पर गोला लगाइए। तो इसमें सर्वनाम शब्द क्या क्या हो जाएंगे, तो आइए करते हैं हम इसका आंसर। तो इसका आंसर देखिए, तुम हो जाएगा, उनका हो जाएगा, और वे हो जाएगा, हमारा हो जाएगा, और ये उन हो जाएगा, और वह हो जाएगा, मैं हो जाएगा, बस यही सब, लास्ट ये आप हो जाएगा, बस यही सारे सर्वनाम आपको टिक करने हैं। अगर आपको ऐसे और मिलते हैं इसमें तो आप प्लीज़ कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू एंड बाय।